हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और स्पेशली जब आप बैचलर ऑफ आर्ट्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, तो इसके बाद आपके लिए क्या ऑप्शन रह जाते हैं कि मास्टर्स में क्या आप बेहतर कर सकते हो, या फिर इसके अलावा अगर आप किसी और प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप कैसे इसमें अप्लाई करोगे, है ना, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो पसंद आएगी यानी लास्ट में देखने के बाद में वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड देन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 71% ऐसे हमारे लिसनर्स हैं जिनको हमारे कॉन्टेंट पसंद आता है, वो कंज्यूम करते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेटेड फील कराता है और उसके बाद हम अच्छे से अच्छी वीडियो पर मेहनत करने के लिए हमें जो इंस्पिरेशन है वो मिलती है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, स्पेशली जब हम बैचलर ऑफ आर्ट से अपना ग्रेजुएट होते हैं, तो क्या हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, मास्टर्स करने? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद में आपके पास बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं। या फिर नॉर्मली अगर हम अपनी डिग्री इंक्रीज करने की बात करते हैं तो हम एमए कर सकते हैं, है ना, बीएड कर सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में है तो हम एमए के बाद पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर हम नेट क्वालिफाई करने के बाद में पीएचडी करेंगे, उसके बाद हम प्रोफेसर लाइन में। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रोफेसर एग्जैक्टली बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, है ना। तो ये सब माइंड में चलता रहता है, लेकिन हमें ये भी सोचना होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रोफेशनली कुछ अच्छा करना है या फिर उनकी स्किल थोड़ी सी डिफरेंट है, उनको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है। ग्रेजुएशन के बाद एमए एक सिंगल ट्रैक है, बीएड एक सिंगल ट्रैक है कि लोग यही ज्यादा करने की मतलब सोचते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद में यानी कि बीए के बाद में आप बहुत सारे लिमिटेड कोर्स कर सकते हो, इनफैक्ट आप एमबीए कर सकते हो। अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रोफेशनल लाइन में जाने का है, वो आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आपके लिए एमबीए के जो लाइन होती है वो ओपन हो जाती है। और इसके अलावा, क्योंकि एमबीए जरूरी नहीं कि आप बीबीए करोगे तभी आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो, आप नॉर्मली ग्रेजुएशन अगर आप बीए भी कर रहे हो तब भी आप एमबीए कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर के ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो आप ग्रेजुएशन के बाद में कर सकते हो। नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं वो ट्वेल्थ के बाद में भी कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर कि जो नॉलेज है वो हर एक स्टूडेंट को वैसे तो आनी ही चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं आज का जो टाइम है, आज का जो ये समय है, पूरे वर्ल्ड में एआई का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का समय है। तो इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है वो भी आने बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उससे बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन है जो आपके ओपन हो जाते हैं। और आप कंप्यूटर में कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख सकते हो, है ना, और इसके अलावा आप कोडिंग सीख सकते हो, डाटा साइंटिस्ट का एक कोर्स आता है वो कर सकते हो। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स रही है, आपने पढ़ी है, या आपका मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप डाटा साइंटिस्ट का कोर्स कर सकते हो, है ना। और उस कोर्स को इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी, यूके या बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जहां पर जो इम्प्लॉय होते हैं उनको हायर किया जाता है, लेकिन आपका वो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और आपने वो चीजें सीखी हुई होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अगर आपने कुछ, आपको कोडिंग वगैरह आती है ना, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, बट इन डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ टीचिंग लाइन में जाने का है तो फिर आप नॉर्मली अपना मास्टर्स करो, या फिर ग्रेजुएशन के बाद सीधा बीएड बीटीसी, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं टीचिंग के, आप वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपने स्किल के अकॉर्डिंग, मैं हमेशा से स्टूडेंट को कहती हूँ कि आपको फोकस करना है अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आपका मन है टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी का कोई भी आप कोर्सेज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। ये जो टाइम है ना, इसमें ना आपको स्किल के अकॉर्डिंग ही आपको काम दिया जाएगा, आपको वर्क की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जितना जरूरी हो सकता है आप अपनी स्किल को ग्रो करो, आप अपनी स्किल के बेस पर काम करो। ऐसा नहीं है कि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है या आपका जो भी ग्रुप है वो मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, तो आप भी उसी लाइन में जाओ। यू नो दैट हमारे आसपास में हमारा माहौल क्या है हमारे देश का, कि सबसे ज्यादा भेड़ चाल लोग फॉलो करते हैं कि 10 लोग इधर जा रहे हैं तो मेरे को भी उधर ही जाना है, क्योंकि उससे पहले वहां पर जॉब ऑफर थी, अब अगर यहाँ पर मैं करूंगा तो मेरे को भी जॉब मिलेगी, तो इस तरह का इल्यूजन बना लेते हैं। और उस बीच में जो हमारे अंदर स्किल होती है, जो हम सही से अपना कर पाते हैं, किसी भी फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उस पर हम सर्च ही नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्किल है वो रिप्लेस हो जाती है
और कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसमें ना तो हमारा इंटरेस्ट है। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद में आपका एक और डायरेक्शन ओपन हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट स्पीकिंग में है, यानी कि स्पीकर बनने का है, आप अच्छा बोल सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि आप किसी भी न्यूज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हो, आप जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हो, उसको कर सकते हो, है ना। उसमें भी काफी सारे ऐसे डायरेक्शन है जो आपको वहां पर, मतलब बहुत सारी सी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलेगी वहां पर। लेकिन इसमें तभी हो सकता है, मतलब ये सारे जितने भी मैंने आपको बताई ये तभी पॉसिबल है जब आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में है कुछ करने का और आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, आपके अंदर वो डिजायर है उस चीज को करने का, है ना, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज सिर्फ किसी और के कहलेने से आप वो काम नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए वो टाइम जा चुका है जब बीए के बाद सिर्फ एमए हुआ करती थी और ले दे के चलो बीएड कर ली, ठीक है, इससे आगे और क्या ही कर सकते हैं। बट आज का समय भाई बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आपके जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं, मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेंगे ग्रेजुएशन के बाद में। दुनिया भर के डिप्लोमा है, दुनिया भर के कोर्सेज है, बट डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस स्ट्रीम में है, है ना। तो अपने इंटरेस्ट और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग फोकस करो, अपना जो गोल है उसको सेट करो, आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। भीड़ के पीछे मत भागो, क्योंकि भीड़ के पीछे भागोगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, एक समय बाद थक करके बैठ जाओगे और फिर छोटा मोटा ही कुछ अपना स्टार्ट करोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। अपने स्किल पर काम करो, क्योंकि स्किल पर काम करो, क्योंकि आजकल जितने भी आपको कंपनीज वगैरह होती है ना तो वो आपकी स्किल के बेस पर ही आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आपको सिलेक्ट करती है। तो वो टाइम गया जब आपका सिर्फ डिग्री डिग्री होता था, आने वाला समय जो होगा वो आपकी स्किल पर काम करेगा। बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, बस आपको काम करना है। ओके, तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की आपको पसंद आई होगी, तो फटाफट से एक लाइक जरूर कर देना। और ऐसे जो आपके स्टूडेंट, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो सच में कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा देना कि भाई, क्योंकि अच्छी अच्छी जो वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। एंड तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।